Hi, Shilpa. Towards your right, far right. Shilpa, 1993 में बाजीगर रिलीज हुई थी आपकी फिल्म और अगले साल तीन दशक हो जाएंगे, 30 इयर्स हो जाएंगे डेब्यू को. आप इस जर्नी को किस तरह से देखती हैं? क्या हाई पॉइंट्स थे आपकी इस जर्नी के और क्या लोएस्ट पॉइंट्स थे? कैसे याद करती हैं इस जर्नी को आप, अगर कुछ पता है? बहुत ही कमाल की जर्नी रही है मेरी. मैं हमेशा कहती हूँ इट्स बिन अ रोलर कोस्टर राइड. यू फील स्केर्ड व्हेन यू आर ऑन द हाई एंड देन यू फील रियली इवन मोर स्केर्ड व्हेन यू आर गोइंग डाउन. बट देन इट्स अ रोलर कोस्टर, यू हैव टू एंजॉय द राइड. हाईज लोज आर जस्ट पार्ट ऑफ लाइफ. आई हैव लाइक आई सेड बिफोर, आई रीइटरेट, आई लिव इन द मोमेंट. मैं इस पल में जीती हूँ और हमेशा ऐसे ही मेरा एटीट्यूड रहा है, पॉजिटिव रहा है. और जब मैं ये आपने मुझे याद दिलाया कि 30 साल हो गए, मुझे ऑनेस्टली समझ नहीं आता कि लोगों ने मुझे इतना टॉलरेट कैसे किया. पीपल वर फार मोर फॉरगिविंग देन. अभी ऑडियंसेस बहुत स्मार्ट हो गई हैं, तो अब ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है. और मुझे ऐसे लगता है मैं अपने काम से बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए मैं लास्ट आउट हुई हूँ. आप लोगों ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया है, प्रेस को बहुत सारा श्रेय देना चाहूँगी. मेरे बुरे वक्त में, मेरे अच्छे वक्त में आपने हमेशा मेरा साथ दिया है. एक प्यार वाला रिश्ता रहा है मेरा आप सभी के साथ, तो वो मैं कभी नज़रअंदाज करूँगी नहीं. तो आपको मैं क्रेडिट देती हूँ, मेरे ऑडियंसेस ने मेरा बहुत साथ दिया है. मेरी पिक्चरें आई नहीं आई, मैं टीवी पे काम करूँ, दे ऑलवेज शोड मी सो मच लव, बहुत सारा फेथ दिखाया है मुझ में. तो जो 30 साल होने को आ रहा है, आई जस्ट फील के मैं बहुत ग्रैटिट्यूड महसूस करती हूँ और मैं बहुत हैप्पीनेस फील करती हूँ. और आई हैव टू ऑल्सो से आई मस्ट गिव क्रेडिट टू सोनी पिक्चर्स फॉर दिस फिल्म, कमिंग बैक टू दिस फिल्म निकम्मा, कि वो बहुत आसानी से इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ कर सकते थे. लेकिन ये इनका कॉन्फिडेंस था और है कि उन्होंने चाहा साबिर सर के साथ, क्योंकि उतावला हो जाता है ना मन के, आपने इतना अच्छा काम किया है, कंटेंट इतना अच्छा है, दिखाओ, ये जेडेड ना हो जाए. लेकिन आज मैं जब इस ट्रेलर को देखती हूँ, मैं वही अभिमन्यु और शर्ली से कह रही थी कि मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि टाइम हो गया है इसको या ये आज के दौर की पिक्चर नहीं है. बिल्कुल नहीं, इट्स टुडेज फिल्म, इट्स कॉन्टेंट एंड दैट इज़ वॉट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. कॉन्टेंट इज़ किंग. तो अगर मैं लास्ट आउट हुई हूँ वो ऑडियंसिस के प्यार की वजह से है और अच्छे कॉन्टेंट की वजह से है, वेदर इट बी ऑन TV माध्यम कोई भी हो, TV हो, रेडियो हो, बड़ा ये 70mm की पिक्चर हो, कॉन्टेंट पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है. एंड आई रियली हैव टू थैंक सोनी पिक्चर्स फॉर हैविंग दैट कॉन्फिडेंस इन निकम्मा. And it's people like you that, you know, that really make good films, you know, and make good cinema. Thank you.